साथियों आप सभी के इस प्लेटफॉर्म पर स्वागत है। यहाँ पर हम लोग आगामी यूपी पीसीएस 2023 के लिए टेस्ट सीरीज देख रहे हैं और इसी कड़ी में हम लोग आज के दिन दृष्टि आईएएस कोचिंग संस्था के द्वारा जो टेस्ट सीरीज कराई गई है उसी में से टेस्ट नंबर 4 को यहाँ पे कंप्लीट करेंगे और इस टेस्ट को हम लोग दो पार्ट में कवर करेंगे। पहले पार्ट में 75 क्वेश्चन को और नेक्स्ट पार्ट में 75 क्वेश्चन को कवर करेंगे। चलिए प्रारंभ करते हैं। पहला प्रश्न है कि हाल ही में भारत ओमान संयुक्त सैन्य अभ्यास अल नजाह जो 4 है निम्नलिखित में से किस राज्य में आयोजित किया गया। तो इसका आयोजन जो है राजस्थान में किया गया, राजस्थान के बीकानेर में महाजन फील्ड फायरिंग रेंज के विदेशी प्रशिक्षण नोड में। अगला है उत्तर प्रदेश सरकार की प्रवीण योजना का उद्देश्य क्या है। तो इसका उद्देश्य सरकारी स्कूलों के छात्रों को व्यावसायिक प्रशिक्षण प्रदान करना है। अगस्त 2022 में उत्तर प्रदेश सरकार ने प्रवीण योजना शुरू की। इस योजना का उद्देश्य सरकारी स्कूलों के छात्रों को उनकी हाई स्कूल और इंटरमीडिएट शिक्षा पूरी करने तक व्यावसायिक प्रशिक्षण प्रदान करना है। आगे बढ़ते हैं। निम्नलिखित में से कौन सी कृष्णा नदी की प्रमुख सहायक नदी नहीं है। तो देखिए इसमें आपका कोयना, भीमा, तुंगभद्रा ये जो है आपकी कृष्णा की सहायक नदी है। कृष्णा जो है ये प्रायद्वीपीय भारत की जो है दूसरी सबसे बड़ी पूर्व की ओर बहने वाली नदी है। और जो मंजरा है, मंजरा आपकी जो है गोदावरी की सहायक नदी, गोदावरी की अन्य सहायक नदियों में पेनगंगा, इंद्रावती, प्राणहिता इत्यादि हैं। और गोदावरी सबसे बड़ी प्रायद्वीपीय नदी जिसे दक्षिण गंगा भी कहते हैं। आगे बात करते हैं। पेंगोंग त्सो झील के संदर्भ में निम्नलिखित में से कौन सा कथन सही है या है। तो पहला, यह झील सिक्किम में स्थित है। नहीं, ये लद्दाख में स्थित है। पहला कथन गलत हो गया। दूसरा, झील का एक तिहाई हिस्सा चीन में और दो तिहाई हिस्सा भारत में। तो उल्टा लिखा हुआ है, चीन का दो तिहाई हिस्सा जो है वो चीन में और एक तिहाई हिस्सा भारत में है। यहाँ पे दोनों कथन गलत है, डी ऑप्शन हो जाएगा। भारत के निम्नलिखित राज्यों पर विचार कीजिए तथा कपास उत्पादन के आधार पर उन्हें अवरोही क्रम में व्यवस्थित कीजिए। तो गुजरात जो है कपास उत्पादन में नंबर 1 पर है और दूसरे नंबर पर आपका महाराष्ट्र है और तीसरे नंबर पर आंध्र प्रदेश है, तीसरे पर आंध्र प्रदेश और चौथे पर आपका राजस्थान आता है। तो आपका क्या हो जाएगा, 2143 अर्थात बी ऑप्शन जो है आपका सही हो जाएगा। आगे बढ़ते हैं। अगला है, जर्नी ऑफ ए नेशन 75 ईयर्स इंडियन इकोनॉमी नामक पुस्तक किसने लिखी है। संजय बारू के द्वारा लिखी गई है। उत्तर प्रदेश व्यवसाय वैश्विक निवेश शिखर सम्मेलन का आयोजन किया जाएगा, कब से कब तक किया जाएगा। तो इसका आयोजन जो है आपका 10 से 12 फरवरी 2023 तक किया जाएगा। ठीक है, कहाँ पर, लखनऊ में, 10 से 12 फरवरी 2023 तक। अगला है, रोम किस नदी के तट पर स्थित है। रोम जो है आपकी इटली की राजधानी जो कि टाइबर नदी के तट पर स्थित है। आगे बात करते हैं, निम्नलिखित में से किसने बिग बैंग थ्योरी दी थी। तो जॉर्ज लेमेत्रे ने जो है इस थ्योरी को दिया था और बाद में वर्ष 1967 में रॉबर्ट बैगनर ने इस सिद्धांत की व्याख्या प्रस्तुत की थी। आगे बढ़ते हैं। दो सूचियाँ दी गई हैं, एक तरफ देश और दूसरी तरफ उसकी राजधानी है, तो हमें मिलान करना है। तो देखिए आपका लिथुआनिया की जो राजधानी है वो क्या है, बिनियश है, तो 2 से मिलाइए। अल्बानिया की राजधानी तिराने है, 3 से मिला दीजिए। माली की राजधानी जो है बमाको है, 1 से। लिचेस्टीन की राजधानी वादजू है, तो 4 से मिला दीजिए। तो 2314 अर्थात आपका सी ऑप्शन। आगे बात करते हैं, निम्नलिखित में से कौन सा पेरिस ओलंपिक 2024 का आधिकारिक नारा होगा। तो गेम्स वाइड ओपन होगा। आगे बढ़ते हैं। दो सूचियाँ दी गई हैं, टाइगर रिजर्व और किस जिले में स्थित है, इन्हें हमें सम्मिलित करना है। तो देखिए आपका रानीपुर वन्यजीव अभ्यारण्य चित्रकूट में है, तो इसे आप 3 से मिला दीजिए। अमनगढ़ टाइगर रिजर्व जो है बिजनौर में है, तो 4 से मिला दीजिए। दुधवा टाइगर रिजर्व आपका लखीमपुर खीरी में है, 1 से मिला दीजिए। पीलीभीत टाइगर रिजर्व पीलीभीत में है, तो 2 से मिला दीजिए। 3412 आपका ए ऑप्शन हो जाएगा। आगे बढ़ते हैं। पर्वतीय क्षेत्रों के संदर्भ में निम्नलिखित में से कौन सा या से कथन सही है। तो देखिए दो कथन दिए गए हैं। पहला है, हिमालय पर्वतमाला उष्णकटिबंधीय से लेकर टुंड्रा तक वनस्पतियों का अनुकरण दिखाती है, ये कथन आपका सही है। दूसरा, बढ़ती ऊंचाई के साथ तापमान में होने वाली कमी से प्राकृतिक वनस्पतियों में तदनुरूप परिवर्तन होता है, ये दोनों कथन आपके सही हैं, इसलिए आपका बी ऑप्शन हो जाएगा। आगे बढ़ते हैं। 14 नंबर क्वेश्चन, भारत का मानक मध्यान्ह समय जो समय है निम्नलिखित में किस राज्य से होकर गुजरता है। तो ये छत्तीसगढ़ राज्य से होकर गुजरता है। देखिए भारत का मानक समय मध्यान्ह रेखा जो है ये आपकी 82 डिग्री 30 मिनट जो है पूर्वी देशांतर है और यह उत्तर प्रदेश के मिर्जापुर जिले से होकर गुजरता है। और ये जो आपकी भारतीय मानक समय मध्यान्ह रेखा है ये ग्रीनविच मीन टाइम से 5.5 घंटे आगे है और ये भारत के 5 राज्यों से होकर गुजरती है, उत्तर प्रदेश, ओडिशा, आंध्र प्रदेश, मध्य प्रदेश और छत्तीसगढ़।
आगे बढ़ते हैं गन्ने के संदर्भ में। निम्नलिखित में से कौन सा या से कथन सही है? दो कथन दिए गए हैं। पहला है यह एक उष्णकटिबंधीय और साथ ही उपोष्णकटिबंधीय फसल है, ये कथन आपका सही है। दूसरा, गन्ना उगाने के लिए आवश्यक तापमान 35 डिग्री सेंटीग्रेड से 45 डिग्री सेंटीग्रेड होता है, ये कथन आपका गलत है क्योंकि इसके लिए 21 डिग्री सेल्सियस से लेकर 27 डिग्री सेल्सियस के बीच तापमान तथा 75 सेंटीमीटर से 100 सेंटीमीटर के बीच की वर्षा की आवश्यकता होती है। तो यहाँ पर ए ऑप्शन आपका सही हो जाएगा। आगे बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 16 देखते हैं। स्कूली शिक्षा या स्कूल शिक्षा रूपांतरण के लिए अरुणाचल प्रदेश के त्रिपक्षीय समझौते के संदर्भ में निम्नलिखित में से कौन सा या से कथन जो है वो सही है? तो देखिए यहाँ पे दो कथन है। पहला, अरुणाचल प्रदेश सरकार ने नीति आयोग और रीच टू टीच फाउंडेशन के साथ एक त्रिपक्षीय समझौते पर हस्ताक्षर किए हैं, ये कथन सही है। समझौता वर्ष 2022 से 2025 तक 3 वर्षों की साझेदारी है, दोनों कथन सही हैं। तो बी ऑप्शन हो जाएगा। वाराणसी की तर्ज पर उत्तर प्रदेश में निम्नलिखित में से किस स्थान पर क्रूज सेवाएं शुरू होंगी? तो ये आपका प्रयागराज में प्रारंभ होगी। अगला है, निम्नलिखित में से कौन सा युग्म सही सुमेलित नहीं है? देखिए इसमें पाकिस्तान की राजधानी लाहौर नहीं है, इसकी राजधानी इस्लामाबाद है, जबकि जर्मनी की राजधानी बर्लिन है, यूक्रेन की कीव है, सर्बिया की बेलग्रेड है। अगला है, क्षुद्र ग्रहों के संदर्भ में या एस्ट्रॉइड के संदर्भ में निम्नलिखित में से कौन सा या से कथन सही है? तो यहाँ पे आपके चार कथन दिए गए हैं। तो देखिए, पहला, पृथ्वी और सन की कक्षाओं के चारों ओर परिक्रमा करने वाले चट्टान के छोटे छोटे टुकड़ों को क्षुद्र ग्रह कहा जाता नहीं, ये आपका मंगल और बृहस्पति के बीच में है, ठीक है। तो दूसरा, क्षुद्र ग्रहों का आकार 1000 किलोमीटर के व्यास तक भिन्न भिन्न होता है, ये सही है। तीसरा, सूर्य की ओर आने पर क्षुद्र ग्रह में पूंछ की उत्पत्ति होती, ये कथन आपका सही नहीं है। देखिए, सूर्य के निकट होने पर भी क्षुद्र ग्रह आमतौर पर अधिक ठोस और स्वनिहित रहते हैं। उत्पन्न पूंछ आमतौर पर धूमकेतुओं द्वारा बनाई जाती है। ट्रोजन एक प्रकार का क्षुद्र ग्रह है, ये सही है। तो आपका दूसरा और चौथा कथन सही है, अर्थात बी ऑप्शन आपका सही हो जाएगा। आगे बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 20 देखते हैं। निम्नलिखित में से किसमें एल्बिडो सर्वाधिक होगा? तो हिमांक मंडल में। किसमें? हिमांक मंडल में। अगला, भारत सरकार ने आपराधिक प्रक्रिया पहचान अधिनियम 2022 को अधिनियमित किया जो प्रभावी हुआ, कब से? तो ये आपका 4 अगस्त 2022 से। आगे बात करते हैं, कमहरिया घाट पुल के संदर्भ में निम्नलिखित में से कौन सा या से कथन सही है? दो कथन दिए गए। इसका निर्माण उत्तर प्रदेश के गोरखपुर में राप्ती नदी पर किया गया? नहीं, गोरखपुर में तो किया गया परंतु घाघरा नदी पर किया गया है, तो पहला कथन गलत हो गया। दूसरा, पुल गोरखपुर और प्रयागराज के बीच 80 किलोमीटर की दूरी को कम करता है, ये कथन आपका सही है। तो कौन सा सही है? बी आपका केवल दूसरा सही है, इसलिए सी ऑप्शन हो जाएगा। आगे बढ़ते हैं, भूमध्य रेखा की लगभग कुल लंबाई कितनी है? तो देखिए, भूमध्य रेखा लगभग 40,074 किलोमीटर है, अर्थात 40,000, तो सी ऑप्शन हो जाएगा आपका, जिसमें से 78.8% जो है वो जल से और 21.3% जो है वो भूमि से गुजरता है। आगे बढ़ते हैं, दो सूचियां हैं, भारत का अंतिम बिंदु और नाम, इन्हें हमें सुमेलित करना। देखिए, सबसे उत्तर में भारत का जो अंतिम बिंदु है वो क्या है? सियाचिन ग्लेशियर के पास इंदिरा कोल जो कि लद्दाख में, चार से मिला दीजिए। सबसे पश्चिमी जो है ये गुजरात में कच्छ क्षेत्र में गुहार मोती या गुहार मोटा है, तो तीन से मिलाइए। सबसे पूर्वी कौन सा है? सबसे पूर्वी में अरुणाचल प्रदेश का की बीथू है, तो दो से मिला दीजिए। और सबसे दक्षिणी कौन सा है? तो यह तमिलनाडु का कन्याकुमारी है, कन्याकुमारी में स्थित जो आपका इंदिरा पॉइंट है, तो वन से मिला दीजिए। तो आपका हो जाएगा 4321, अर्थात सी ऑप्शन। आगे चलते हैं क्वेश्चन नंबर 25 देखते हैं। निम्नलिखित में से कौन सा विश्व का सबसे बड़ा चीनी उत्पादक देश है? तो देखिए, भारत जो है वो विश्व का सबसे बड़ा चीनी उत्पादक था, दूसरा सबसे बड़ा चीनी निर्यातक देश बनकर उभरा है। पहले ब्राजील था, अब भारत हो गया है। आगे बात करते हैं, हाल ही में निम्नलिखित में से किस राज्य ने पंचामृत योजना शुरू की है? तो ये योजना उत्तर प्रदेश सरकार के द्वारा प्रारंभ की गई है। पंचामृत योजना लागत प्रभावी तकनीकी उपायों की शुरुआत और सह फसल विधियों को बढ़ावा देकर किसानों की आय दोगुनी करने के लक्ष्य को प्राप्त करने में मदद करेगी। अगला है, डेनमार्क कॉरपोरेशन की मदद से उत्तर प्रदेश के किस जिले में जल परीक्षण प्रयोगशाला स्थापित की जाएगी? तो ये आपका वाराणसी में। कहाँ पर? वाराणसी में स्थापित की जाएगी। अगला है, दो सूचियाँ हैं, शहर और नदी। तो देखिए, लाहौर आपका जो है रावी नदी के तट पर है, तो वन से मिलाइए। लंदन जो है टेम्स नदी किनारे, तो तीन से मिलाइए। न्यूयॉर्क जो है वो हडसन नदी के किनारे है, तो दो से मिलाइए। और वन राइन नदी किनारे है, तो चार से मिला दीजिए। तो 1324 ए ऑप्शन आपका हो जाएगा। आगे बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 29। प्रधान मध्यान्ह रेखा निम्नलिखित में से किन दो देशों से होकर गुजरती है? तो देखिए, इन चारों में से ये जो है आपकी फ्रांस और घाना से होकर के गुजरती है।
अन्य देशों से भी गुजरती, पर इन चारों में फ्रांस और घाना से गुजरती, तो वन एंड थ्री। आगे बात करते हैं, निम्नलिखित में से कौन भू प्रॉपर्टी से पदार्थों के द्रव्यमान के वितरण संबंधी जानकारी प्रदान करता है? तो गुरुत्व असंगति, जो गुरुत्व असंगति होती है, ग्रेविटी एनोमिटी, ये जानकारी प्रदान करती है। आगे बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 31, देखते हैं निम्नलिखित में से किस जिले में माटी कला मेला आयोजित किया गया? तो ये जो माटी कला मेला है, इसका आयोजन कहाँ पर किया गया? लखनऊ में किया गया 14 अक्टूबर से लेकर 23 अक्टूबर 2022 तक। आगे बढ़ते हैं, आज़ादी का अमृत महोत्सव के तहत बढ़े चलो आंदोलन आयोजित किया गया कब? तो इसका आयोजन जो है 5 से 12 अगस्त 2022 के मध्य में किया गया। तो बढ़े चलो आंदोलन, भारत की आज़ादी के 75 वर्ष पूरे होने के उपलक्ष्य में आज़ादी का अमृत महोत्सव के तहत भारत सरकार की एक पहल थी, और ये 5 से 12 अगस्त तक 8 दिनों तक ये चला। निम्नलिखित में से किस स्थान पर भारत में पहली जूट मिल स्थापित की गई थी? तो ये आपका रिसरा में, कहाँ पर? रिसरा में। तो रिसरा कहाँ, देखिए, वर्ष 1855 में पहली जूट मिल कोलकाता के समीप हुगली नदी पर रिसरा में स्थापित की गई थी। तो यहाँ पर डी ऑप्शन। निम्नलिखित में से कौन सा युग्म सुमेलित नहीं है? तो देखिए, भारत और पाकिस्तान के बीच की जो सीमा रेखा रेडक्लिफ है, भारत और चीन के बीच में मैकमोहन रेखा है, भारत और अफगानिस्तान के बीच में जो डूरंड रेखा है, ना कि वास्तविक नियंत्रण रेखा, तो सी ऑप्शन सही नहीं है। और भारत और श्रीलंका के मध्य में पाक जल डमरू मध्य है। पीली क्रांति संबंधित है किससे? तिलहन के उत्पादन से। निम्नलिखित में से, और ध्यान रखिए, तिलहन के उत्पादन से और सैम पित्रोदा को भारत में पीली क्रांति का जनक कहा जाता है। निम्नलिखित में से कौन से दो शहर उत्तर प्रदेश में G20 शिखर सम्मेलन की मेजबानी करेंगे? देखिए, उत्तर प्रदेश में 4 शहरों को इसमें शामिल किया गया है, जिसमें आपका लखनऊ, वाराणसी, ग्रेटर नोएडा और आगरा शामिल है। ठीक है, तो आगरा और वाराणसी के अलावा लखनऊ और ग्रेटर नोएडा है। तो यहाँ पे 1 और 4 अर्थात डी ऑप्शन हो जाएगा। आगे बढ़ते हैं, केंद्रीय गृह मंत्री पदक 2022 के लिए उत्तर प्रदेश में कितने पुलिसकर्मियों का चयन किया गया? तो यहाँ पर देखिए, कुल 10 पुलिसकर्मी जो है यूपी से चुने गए। कुल यहाँ पर 151 पुलिसकर्मियों को पदक दिए गए, जिसमें से 10 जो हैं वो यूपी के थे। आगे बढ़ते हैं, क्वेश्चन नंबर 38 देखते हैं। वी आकार की घाटी के संदर्भ में निम्नलिखित में से कौन सा ऐसे कथन सही? पहला, ये पर्वतों और पहाड़ियों में बहुत सामान्य तौर पर पाए जाते हैं। सही बात है। ग्रैंड कैनियन जो कि अमेरिका में, संयुक्त राज्य अमेरिका में, एक प्रकार की वी आकार की घाटी है। दो के दोनों कथन सही है, बी ऑप्शन। अगला है, भूमध्य रेखा निम्नलिखित में से किन देशों से गुजरती है? तो ये आपकी मालदीव, गैबोन और ब्राज़ील से गुजरती है। आप इनको मैप पे जरूर देखें। निम्नलिखित में से कौन सा महासागर तल विन्यास का एक विभाजन नहीं है? तो देखिए, गहराई और आकारों के रूपों के आधार पर महासागरीय अधस्थल को 3 प्रमुख भागों में विभाजित किया जाता है। कौन कौन से? एक होता है आपका महाद्वीपीय सीमांत, इसके अतिरिक्त आपका बीतलीय मैदान होता है, बीतलीय मैदान अर्थात गहरे सागरी तल होते हैं, और मध्य महासागरी कटक, ये 3 विभाजन होता है। टीलाइट इसमें शामिल नहीं है। टीलाइट वह औषधि चट्टाने हैं जो हिमानी निक्षेपण से निर्मित होती हैं। आगे बढ़ते हैं, हाल ही में उत्तर प्रदेश सरकार ने वाराणसी के कारीगरों और बुनकरों के सामान या माल को वैश्विक मंच पर लाने के लिए निम्नलिखित में से किस कंपनी के साथ समझौता ज्ञापन पर हस्ताक्षर किए हैं? तो फ्लिपकार्ट के साथ में। कोडेक्स एलिमेंटेरियस कमीशन एक संयुक्त अंतर सरकारी निकाय है किसका? तो खाद्य और कृषि संगठन का है। तो देखिए, ये खाद्य और कृषि संगठन FAO तथा विश्व स्वास्थ्य संगठन WHO द्वारा संयुक्त रूप से स्थापित एक अंतर सरकारी निकाय है। आगे बढ़ते हैं, नंदा देवी चोटी हिमालय के निम्नलिखित में से किस भाग में अवस्थित है? तो ये गढ़वाल हिमालय में। नंदा देवी भारत का दूसरा सबसे ऊंचा पर्वत है और देश के भीतर यह उच्चतम है। यह गढ़वाल हिमालय का हिस्सा है और उत्तराखंड के चमोली जिले में अवस्थित है। आगे बढ़ते हैं, क्वेश्चन नंबर 44 देखते हैं। पूर्वी हिमालय के निम्नलिखित पर्वतों पर विचार कीजिए और उन्हें उत्तर से दक्षिणी दिशा की ओर व्यवस्थित कीजिए। तो इसमें आप देखिए, उत्तर से नॉर्थ टू साउथ चलना है। तो इसमें आपका सबसे उत्तर में कौन सा है? सबसे उत्तर में मिश्मी है, फिर इसके बाद इसके दक्षिण में पटकई भूम है, फिर उससे दक्षिण में आपका मिकिर पहाड़ी है, और फिर सबसे दक्षिण में लुशाई पहाड़ी है। तो आपका 3, 1, 2, 4 सी ऑप्शन। पीतांबरी एक किस्म है किसकी? तो पीतांबरी जो है ये पीली सरसों की एक किस्म है। अगला है, अग्निपथ योजना के संदर्भ में निम्नलिखित कथनों पर में से कौन सा या से कथन सही है? दो कथन है। योजना के अंतर्गत युवाओं को 4 वर्षों के लिए सशस्त्र बलों में भर्ती किया जाएगा, सही है। उल्लिखित अवधि पूर्ण होने के बाद केवल 50% बैच को उनकी संबंधित सेवाओं में वापस भर्ती किया जाएगा। 50% नहीं है, ये 25% है। ठीक है, तो पहला सही है, दूसरा गलत है, तो ए ऑप्शन आपका हो जाएगा।
कौन सा सही है? तो ए ऑप्शन, हाल ही में समाचारों में रहा कुकरैल वन स्थित है कहाँ पे? लखनऊ में स्थित है, ठीक है, लखनऊ में। देखिए लखनऊ में सदियों पुराने नवाब वाजिद अली शाह प्राणी उद्यान जिसे लखनऊ चिड़ियाघर के रूप में जाना जाता है को अब नहरी में अपने वर्तमान स्थान से लगभग 12 किलोमीटर दूर कुकरैल वन क्षेत्र में स्थानांतरित किया जाएगा। आगे बढ़ते हैं नदी डेल्टा के संदर्भ में निम्नलिखित में से कौन सा या से कथन सही नहीं है? तो देखिए दो कथन है। पहला, एक डेल्टा का निर्माण तब होता है जब एक नदी धीमी गति से बहने वाले जल निकाय जैसे समुद्र या झील से मिलती है। ये कथन आपका सही है। नील नदी का डेल्टा विश्व का सबसे बड़ा डेल्टा नहीं, गंगा ब्रह्मपुत्र डेल्टा विश्व का सबसे बड़ा डेल्टा और यह भारत के पश्चिम बंगाल और बांग्लादेश में स्थित है। तो पहला सही, दूसरा गलत। तो कौन सा गलत है? तो यहाँ पर केवल सी, केवल दूसरा वाला अर्थात सी ऑप्शन हो जाएगा। आगे बढ़ते हैं, निम्नलिखित में से कौन सा सही, कौन दो सही सुमेलित हैं? ज्वालामुखी पर्वत और उनके अवस्थित कोटापैक्सी जो है इक्वाडोर में है, सही है। विशुवियस इटली में, फिलीपींस में नहीं है, तो गलत है। फुजियामा जापान में है, सही है। किलिमंजारो अंगोला में नहीं, तंजानिया में है, तो ये गलत हो गया। तो आपका पहला और तीसरा अर्थात सी ऑप्शन हो जाएगा। आगे बढ़ते हैं, निम्नलिखित युग्मों में से कौन सा एक युग्म सही सुमेलित नहीं है? उच्चावच और उनकी विशेषताएं क्या हैं? तो देखिए इसमें कौन सा जो है सही सुमेलित नहीं है। देखिए निमग्न द्वीप जो है चपटे शिखर होते हैं, एटॉल जो है ये उच्च उष्णकटिबंधीय महासागरों में पाए जाने वाले निम्न द्वीप हैं, और समुद्री टीला ये गैर ज्वालामुखी उद्भव होते नहीं। समुद्री टीला ये नुकीले शिखरों वाला एक पर्वत है जो समुद्री तली से ऊपर की ओर उठता है, हालांकि ये महासागरों की सतह तक नहीं पहुंच पाता है। तो यहाँ पर सी वाला सही नहीं है। अंतः समुद्री कंदराएं, गहरी घाटियाँ इनकी विशेषताएं। जगदीप धनखड़ भारत के कौन से नंबर के राष्ट्रपति हैं? तो 14वें नंबर के राष्ट्रपति हैं, ठीक है। इससे पहले ये पश्चिम बंगाल के राज्यपाल के रूप में इन्होंने काम किया था। उत्तर प्रदेश के विश्वविद्यालयों के संदर्भ में निम्नलिखित में से कौन सही है? तो पहला वाला देखिए, लखनऊ विश्वविद्यालय NAAC से A++ ग्रेड प्राप्त करने वाला उत्तर प्रदेश का एकमात्र विश्वविद्यालय है, ये कथन आपका सही है। हरिकोटा द्वीप बंगाल की खाड़ी को पृथक करता है किससे? तो खाड़ी पुलिकट झील से। देखिए श्री हरिकोटा आंध्र प्रदेश के नेल्लोर जिले में अवस्थित बंगाल की खाड़ी के तट पर एक बाधा द्वीप है। यह पुलिकट झील को बंगाल खाड़ी से अलग करती है। इस द्वीप पर सतीश धवन अंतरिक्ष केंद्र स्थित है। आगे चलते हैं क्वेश्चन नंबर 54 देखते हैं। निम्नलिखित में से कौन सी भारतीय प्रायद्वीपीय पठार की सबसे ऊंची चोटी है? अन्नाई मुड़ी है। यह प्रायद्वीपीय पठार की सबसे ऊंची चोटी है जो पश्चिमी घाट की अन्नामलाई पहाड़ियों पर स्थित है। आगे चलते हैं, मालवीय चमत्कार प्रजाति क्या है? तो ये देखिए आपका अरहर की प्रजाति, अरहर मतलब दाल, तो ये दाल की प्रजाति है, ठीक है, और अरहर खरीफ की फसल है। आगे बढ़ते हैं, तो सी ऑप्शन हो जाएगा। निम्नलिखित में किसे कोलंबिया के राष्ट्रपति के रूप में शपथ दिलाई गई? गुस्तावो पेट्रो को अगस्त 2022 में। अगला है, मुख्यमंत्री फेलोशिप कार्यक्रम की पात्रता के संदर्भ में निम्नलिखित कथनों में से कौन सा या से कथन सही है? चार कथन दिए गए। पहला, फेलोशिप के लिए प्रथम श्रेणी अथवा न्यूनतम 60% अंकों के साथ स्नातक होना अनिवार्य है, ये कथन आपका सही है। दूसरा, हिंदी बोलने और लिखने में दक्ष होना चाहिए, ये भी सही है आपका। तीसरा, उम्मीदवार की अधिकतम आयु 30 वर्ष से अधिक नहीं होनी चाहिए, नहीं 40 वर्ष से अधिक नहीं होनी चाहिए, ठीक है। और वहीं फेलोशिप प्रोग्राम के तहत चयनित विद्वानों को 50,000 रुपये प्रति माह का भुगतान किया जाएगा, 50,000 नहीं बल्कि 30,000 रुपये प्रति माह का भुगतान किया जाएगा। तो पहला दूसरा सही, तीसरा चौथा गलत है, इसलिए ए ऑप्शन आपका सही हो जाएगा। आगे चलते हैं, चिशापानी गार्ज निम्नलिखित में से किस देश में स्थित है? ये नेपाल में। कहाँ पर स्थित है? नेपाल में, जो कर्णाली नदी द्वारा निर्मित है। आगे बढ़ते हैं, कथन कारण का प्रश्न है कि अभिकथन है कि पृष्ठीय तरंग सर्वाधिक विनाशकारी भूकंपीय तरंग होती है, ये कथन आपका सही है। कारण, पृष्ठीय तरंग तरंग की दिशा के समानांतर कंपन करती है, नहीं तरंग के समानांतर नहीं लंबवत कंपन करती है। तो कथन सही है, कारण गलत है। तो आपका यहाँ पर देखें बी ऑप्शन हो जाएगा, ए सही आर गलत। अगला, निम्नलिखित में से कौन सा एक सही सुमेलित नहीं है? देखिए नहरों की भूमि जो है, नहरों की भूमि पाकिस्तान है, गोल्डन पैगोडा की भूमि ये म्यांमार है, बेनिश नहीं है, तो इसी बी वाला सही नहीं है। एम्पायर सिटी न्यूयॉर्क, डार्क कॉन्टिनेंट अफ्रीका। आगे चलते हैं, परवाज योजना के संदर्भ में निम्नलिखित में से कौन सा या से कथन सही है? तो देखिए अभिनव भारत लिंकेज योजना परवाज भारत सरकार द्वारा शुरू की गई थी, सही है। योजना के तहत जम्मू और कश्मीर में शीघ्र खराब होने वाले फसलों की एयर कार्गो के माध्यम से शिपिंग हेतु 30% सब्सिडी दी जाती है, नहीं 25% सब्सिडी दी जाती है। तो पहला सही, दूसरा गलत है। तो कौन सा सही है? तो ए ऑप्शन आपका सही हो जाएगा। आगे बढ़ते हैं, क्वेश्चन नंबर 62, हाल ही में उत्तर प्रदेश के किस जिले में पहले टेबल टॉप हवाई अड्डे का उद्घाटन किया गया है? कहाँ पर किया गया है? चित्रकूट में किया गया है।
निम्नलिखित में से पर्यावरण के दो जैविक घटक कौन से? तो देखिए, जैविक घटकों में आपका सहजीवन और गहरे हरे पौधे आएंगे, परंतु इसके अजैविक घटकों में आपका भूवैज्ञानिक आधारस्थल और जल आ जाएगा। तो यहाँ पर आपका 1 और 4 अर्थात सी ऑप्शन हो जाएगा। अगला है, भारत की मृदा के संदर्भ में निम्नलिखित में से कौन सा ऐसे कथन सही है? तो देखिए, दो कथन दिए गए हैं। पहला, काली मृदा में नमी अधिक समय तक बनी रहती है, कथन आपका सही है। दूसरा, लवणीय मृदा में सोडियम पोटेशियम और मैग्नीशियम का अधिक अनुपात होता है, ये भी सही है। तो बी ऑप्शन हो जाएगा। निम्नलिखित में से कौन वित्तीय वर्ष 2022 में दालों का सबसे बड़ा उत्पादक राज्य रहा है? तो दालों का सबसे बड़ा उत्पादक राज्य आपका राजस्थान रहा है 2022 में, जो टोटल दलहन उत्पादन का 19% इसने किया है। और दूसरे नंबर पर जो है वो 18% के साथ में मध्य प्रदेश रहा है। विश्व जैव ईंधन दिवस कब मनाया जाता है? तो ये जो है आपका 10 अगस्त को, प्रत्येक वर्ष 10 अगस्त को मनाया जाता है। क्यों मनाया जाता है? तो विश्व जैव ईंधन दिवस पर सर रुडोल्फ डीजल के अनुसंधान प्रयोगों को सम्मान अनुप्रयोगों का सम्मान करता है, जिन्होंने वर्ष 1893 में मूंगफली के तेल से एक इंजन चलाया था। आगे बढ़ते हैं, निम्नलिखित में से कौन सा ऐसे कथन जो है उत्तर प्रदेश की इको टूरिज्म डेवलपमेंट बोर्ड के संदर्भ में सही है? तो देखिए, इको टूरिज्म इंफ्रास्ट्रक्चर को सार्वजनिक निजी भागीदारी मॉडल पर विकसित किया जाएगा, सही है। पर्यावरण मंत्री इस बोर्ड के अध्यक्ष होंगे? नहीं, मुख्यमंत्री उस बोर्ड के अध्यक्ष होंगे जिसमें सदस्य के रूप में पदेन और विशेष रूप से आमंत्रित सदस्य होंगे। तो पहला सही, दूसरा गलत है। तो कौन सा सही है? तो ए ऑप्शन आपका हो जाएगा। आगे बढ़ते हैं, बीती लेवू वानुआ लेवू द्वीप स्थित है कहाँ पर? तो ये फिजी में स्थित है। आगे चलते हैं, महाद्वीपों के संबंध में निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। यहाँ पर आपके 4 कथन दिए गए हैं। यूरोप में सबसे अधिक देश है? नहीं, अफ्रीका में सबसे अधिक देश हैं। तो पहला गलत हो गया, पहला आपका गलत है। दूसरा, ऑस्ट्रेलिया सबसे छोटा महाद्वीप है, सही है। विश्व में दक्षिण अमेरिका में सबसे ज़्यादा औसत ऊंचाई है? नहीं, अंटार्कटिका में सबसे अधिक औसत ऊंचाई है, तो ये भी गलत है। एशिया विश्व का सबसे बड़ा महाद्वीप है, ये सही है। तो आपका 2 और 4 अर्थात बी ऑप्शन हो जाएगा। आगे बढ़ते हैं, निम्नलिखित में से कौन महासागरीय धाराओं की गति की शुरुआत करता है? तो कोरियोलिसिस बल करता है। भारत और मलेशिया के बीच पहले द्विपक्षीय वायुसेना अभ्यास का नाम क्या है? तो उदार शक्ति है। क्या नाम है? उदार शक्ति, जो अगस्त 2022 में इसका आयोजन किया गया। अगला है, पुरस्कार और उसके वर्ष 2021 के प्राप्त करता। देखिए, भारत भारती सम्मान जो है राहुल द्विवेदी को नहीं बल्कि डॉक्टर रमानाथ त्रिपाठी को दिया गया था, तो ये कथन आपका सही नहीं है। लोहिया साहित्य सम्मान बुद्धिनाथ मिश्र को, हिंदी गौरव सम्मान डॉक्टर गिरिराज शरण अग्रवाल को और पंडित बद्री प्रसाद सिंगलू स्मृति सम्मान रजनी गुप्ता को। आगे बात करते हैं, 2 सूचियाँ दी गई हैं राज्य और वर्षा जल संचयन प्रणाली का। तो देखिए, राजस्थान की कौन सी है? तो यहाँ की आपकी राजस्थान की बोरिश है, बोरिश 4 से मिलाइए। पश्चिम बंगाल की कौन सी है? तो पश्चिम बंगाल की डुंग है, 2 से मिलाइए। हिमाचल प्रदेश की आप देखेंगे तो हिमाचल प्रदेश की कुल या कुही अर्थात 1 से मिलाइए। और मध्य प्रदेश की कौन सी है? तो बुंदेला टैंक, चंदेला टैंक, कटाशपट इत्यादि, यहाँ पे 3 से मिला दीजिए। तो 4213 अर्थात बी ऑप्शन हो जाएगा। आगे बढ़ते हैं, क्वेश्चन नंबर 74 देखते हैं। उष्णकटिबंधीय पर्णपाती वनों को और क्या कहा जाता है? मानसून वन कहा जाता है। अगला है 75 नंबर क्वेश्चन, निम्नलिखित में से कौन सा एक सही सुमेलित नहीं है? देखिए, रेशम के प्रकार और प्रमुख उत्पादक, टसर उत्पादक झारखंड है, मुगा असम, ओक टसर का हिमाचल प्रदेश, परंतु शहतूत का जो प्रमुख उत्पादक है वो बिहार नहीं है, इसका प्रमुख उत्पादक जो है कर्नाटक, आंध्र प्रदेश, पश्चिम बंगाल, तमिलनाडु, जम्मू कश्मीर है। ठीक है, तो यहाँ पे डी वाला सही नहीं है। तो इस प्रकार से इस वीडियो में बस इतना ही। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो, तब तक के लिए बहुत बहुत धन्यवाद।